नमस्कार दोस्तों। दोस्तों किसी भी भाई का या बहन का, लड़के लड़की का, किसी का भी हो चाहे, गलत वीडियो बना लिया गया है स्कैमर के द्वारा। उसको धोखे से उसका फिल्म बना ली गई है, गलत फिल्म बना ली गई है, और अब किसी पुलिस ऑफिसर का फोन आ रहा है कि पैसे भेज दीजिए, वीडियो डिलीट करवा लीजिए, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या वास्तव में जेल जाना पड़ सकता है क्या? आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। दोस्तों धमकी तो यही आती है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, पैसे भेज दीजिए, पैसा चाहे आप भेजें या नहीं भेजें, लेकिन आपको धमकी बार बार यही आती है कि पैसा भेज दीजिए, वीडियो डिलीट करवा लीजिए, यूट्यूब कंपनी से सेटलमेंट कर लीजिए या लड़की से सेटलमेंट कर लीजिए। स्टेप 3-4 होते हैं, लेकिन धमकी तो आपको यही दी जाएगी कि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे वीडियो बने हैं और उनके सामने ये फोन भी आए हैं कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, और काफी लोगों से मेरी बात भी हुई है, बहुत सारे लोगों से। तो अब मैं आपको बता दूं क्या वास्तव में जेल जाना पड़ता है क्या। दोस्तों वीडियो आपका बना है और वीडियो आपका बना है सिर्फ धोखे से। क्या आपका इंटेंशन ऐसा था कि मैं ऐसा वीडियो उसके साथ बनवाऊं? कतई ही नहीं था। आपके साथ धोखे से उसने ऐसा वीडियो बनाया है। अब गलती आपने की है या नहीं की है ये एक अलग मैटर है, क्योंकि गलती में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके द्वारा आपको सिर्फ गलत वीडियो दिखाया जाता है, और दूसरा होता है कि आपने भी उसके साथ साथ कपड़े उतारे हैं, जैसा उसने बोला है वैसा किया है। तो दो ऑप्शन होते हैं। अब चाहे गलती आपने की है नहीं की है, मैटर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती आपकी नहीं है क्योंकि उसने आपसे ऐसा करवाया है। तो जेल जाने का ऑप्शन जो है वो तो कतई ही सही नहीं है भाई। आपके पास जिस पुलिस ऑफिसर का फोन आ रहा है, जिस सीबीआई ऑफिसर का फोन आ रहा है, चाहे वो क्राइम ब्रांच से आ रहा हो, चाहे वो सीबीआई दिल्ली से आ रहा हो, चाहे किसी भी पुलिस स्टेशन से आ रहा हो, किसी भी एसएचओ का आ रहा हो, वो आपको अगर ऐसा फोन करके कहता है कि आप वीडियो डिलीट करवा लीजिए, तो वो बिल्कुल ही फेक है। आपको जेल जाने का कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फोन कर रहा है वो खुद फेक है। वो ना कोई पुलिस का ऑफिसर है, ना कोई एसएचओ है, ना कोई सीबीआई का ऑफिसर है, वो तो खुद स्कैमर से जुड़ा हुआ उसी की गैंग का बंदा है। जैसे हो सकता है जिसने आपका वीडियो बनाया हो वही बंदा आपको पुलिस ऑफिसर बन के कॉल कर रहा हो, या हो सकता है उससे जुड़ी हुई गैंग का कोई दूसरा बंदा हो, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बार बार सारे लोग यही पूछते हैं कि सर क्या जेल जाना पड़ सकता है, सर मेरे को ये धमकी मिली है कि सुबह तक तेरे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सुबह तक गिरफ्तार करने के लिए क्या वहां से दिल्ली से स्कैमर आ रहा है क्या आपके घर पे? स्कैमर तो खुद बचा हुआ पड़ा है, वो तो खुद फेक नंबर यूज ले रहा है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, क्योंकि वो तो खुद स्कैमर है, वो तो खुद पुलिस से बचता फिर रहा है। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जो भी भाई लोग ऐसा सोचते, जिनके पास भी कमेंट में आती है, मैसेज आते हैं या कॉल आता है, कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको लड़की से सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, आप यूट्यूब कंपनी से वीडियो डिलीट करवा लीजिए, तो आप उसको सीधा सा जवाब यही देना है कि मेरा वीडियो आप डिलीट कर दीजिए। फिर वो आपसे पैसे मांगेगा, पैसे मांगेगा तो भाई पैसा तो मेरे पास नहीं है, तू वीडियो को सेव रख, तू चाहे वायरल कर, तेरे को जो करना है वो कर, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर आपको धमकी दी जाएगी कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको अलग अलग धाराएं बता दी जाएगी, इस सेक्शन के तहत आपको इतने साल की सजा हो जाएगी, आपके साथ आपसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो भाई मेरे पास तो कोई जुर्माना है ना कोई और है, मैं तो फ्री बैठा हूँ, आपको जेल भेजना है तो भेज दीजिए, मैं बैठा आ जाइए, साफ सा उसको खींच के जवाब देना है। जैसे ही आप इतना खींच के उसको जवाब दोगे, उसका ना तो आपके पास वापस कॉल आएगा, क्योंकि वो तो खुद समझ जाएगा कि ये बंदा समझा हुआ है, इसके पास ऐसे लपड़े में ये या तो ये खुद फंसा हुआ है पहले से, या इसके दोस्त, या इसको इस चीज की जानकारी है। जब स्कैमर को ये पता चल गया ना कि आपको उस मैटर का जानकारी है, पूरी जानकारी, जैसे आपको ये पता है कि गलती से वीडियो बना लिया जाता है और उसके बाद में पैसे मांगे जाते हैं, वीडियो वायरल कहीं होता नहीं है, पुलिस का कॉल आता है वो फेक होता है, यूट्यूब कंपनी का कॉल आता है वो भी फेक होता है, अगर स्कैमर को ये पता चल गया कि ये सारा मैटर का इस बंदे को जानकारी है ऑलरेडी, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ आपसे पैसे लेने का है, उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो बिना मतलब बिना किसी काम के आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको जानता नहीं है, वो आपको पहचानता नहीं है, उससे आपका कोई पड़ोसी नहीं है, ना कुछ भी उसके आपका लेना देना है,
उसका मतलब सिर्फ आपसे पैसे लेने का है, इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है आपसे। तो अगर उसको ये पता चल गया कि ये बंदा पहले से समझदार है, उसको सब कुछ मैटर का पता है, तो वो 100% आपका पीछा छोड़ देगा, आपको ना जेल जाना पड़ेगा ना आपको माइंडली एब्सेंट होना पड़ेगा। मैं बार बार आपको यही कहता हूं, ना तो आपके पास फोन करने वाला कोई पुलिस का अधिकारी होगा, ना आपको कॉल करने वाला किसी यूट्यूब का कर्मचारी होगा, ना कोई यूट्यूबर होगा, और ना ही कोई भी ऐसी लड़की रियल होगी जो आपको इस तरीके से वीडियो में फंसाएगी। ये लोग पहले से वीडियो बना के अपने मोबाइल में सेव रखते हैं। हो सकता है आजकल कुछ नया तरीका चल रहा है जिसमें ये क्या करते हैं, कुछ लड़कियों का भी सहयोग ले लेते हैं। तो हो सकता है वीडियो बनने के बाद में आपको किसी लड़की का कॉल रियल में आ सकता है, ये जरूर सच्चाई हो सकती है। क्योंकि इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण यह है, बहुत सारे दिनों से हम भी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे लोग वीडियो बनाते हैं जो आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं। तो काफी लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि जो वीडियो कॉल करती है, जो कॉल करती है वो फेक होती है, लड़की नहीं होती है। इसलिए इन्होंने नया एक तरीका अपनाया है। ये लोग क्या कहते हैं, पहले वीडियो तो डुप्लीकेट से बना लेते हैं, इससे जैसे पहले से वीडियो सेव होता है, अपना वीडियो बना लिया इस तरीके से, लेकिन जब बाद में आपको धमकी देने के लिए जो कॉल आता है ना, वो कॉल ओरिजिनल लड़की से करवा देते हैं। वो कहती है कि आपका मैंने आपने वीडियो बनाया है, आपको ये पैसे भेजना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं सुसाइड करने वाली हूँ, मैं इस तरीके से आपको बार बार नए नए तरीके से वो धमकी दे सकती है। वो वास्तव में लड़की हो सकती है, लेकिन उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद स्कैमर है, वो तो स्कैमर के साथ मिली हुई है। तो आपको डरने की 1% ही जरूरत नहीं है, ना तो आपको जेल जाना पड़ेगा और ना ही आपका वीडियो कहीं पर भी वायरल होने होता है। अब एक चीज और होती है, सर वायरल तो नहीं हो जाता है, सर ये हो जाता है, सर फेसबुक पे वायरल कर देगा, यूट्यूब पे वायरल कर देगा। तो भाई ये बताइए कि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं तो मेरी जानकारी तो सब आपके सामने है, आप मेरे को खोजना चाहें तो कहीं से भी खोज सकते हैं। तो इनके पास कौन सा YouTube चैनल है ये बताइए। अगर इनके पास YouTube चैनल है, अगर इनकी इमेज इतनी अच्छी है, तो ये लोग स्कैम का काम क्यों करेंगे। ना तो इनके पास YouTube चैनल है, ना Facebook पेज है, ना Twitter है, ये कहीं पर भी ओरिजिनल काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्कैमर है, फेक सिम यूज ले सकते हैं, फेक अकाउंट यूज ले सकते हैं, और अपनी पहचान कभी भी आपके सामने नहीं लाएंगे। हो सकता है फेक आईडी किसी की बना लेते हैं 1-2 दिन के लिए, आपको सिर्फ डराने के लिए, और उस पे आपके सब अपलोड करने का आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं कि 70% आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, पैसे भेज दीजिए, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये जेल जाना पड़ेगा, ये शब्द आप पकड़ लीजिए, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जेल तो स्कैमर खुद जाएगा जब आप रिपोर्ट करेंगे अपने नजदीकी पुलिस थाने में, 1930 पे रिपोर्ट करेंगे, cybercrime.government.in पे अगर आप रिपोर्ट करोगे, जब भी आपके साथ इसका स्कैम होता है या आपको लगता है कि ये स्कैमर है, तो जो पोर्टल मैंने बताया था टेपकूप वाला, उस पे उसकी रिपोर्ट कीजिए और उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो स्कैमर ही जेल जाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बंदे को ये पता चले कि ये जो पुलिस की धमकी देते हैं ये फेक होते हैं। कोई भी हमें ऐसे बिना वजह से पुलिस की गिरफ्त में नहीं ले सकता है, ना ही हमें जेल जाना पड़ सकता है, ना ही हमारा वीडियो कहीं वायरल होगा। जय हिंद, जय भारत।